पर्यावरण के लिए नुकसान साबित हो रहे पॉलीथीन और थर्माकोल से बने बर्तनों को बेचने और इस्तेमाल करने पर जिला प्रशासन और नगर निगम द्वारा प्रतिबंधित किया गया है, लेकिन पॉलीथीन और थर्माकोल से बने बर्तनों के व्यापारी चंद रुपयों के लिए धड़ल्ले से खरीद फरोख्त कर रहे हैं। नगर निगम टीम द्वारा भारी भरकम जुर्माना लगाने के बावजूद व्यापारी इनकी बिक्री से बाज नहीं आ रहे हैं। नगर मजिस्ट्रेट अजीत कुमार सिंह और अपर नगर आयुक्त डी के सिन्हा के नेतृत्व में मंगलवार को नवीन गल्ला मंडी के दुकानदारों पर एक बार फिर डंडा चलते हुए लगभग लाखों रुपए के प्रतिबंधित पॉलीथीन और थर्माकोल से बने बर्तनों को जब्त करते हुए दुकानदार पर जुर्माना लगाया। नगर मजिस्ट्रेट ने कहा कि प्रतिबंधित पॉलीथीन के बिक्री की लगातार शिकायत मिल रही थी, जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। ये अभियान लगातार चलता रहेगा। भारी मात्रा में पॉलीथीन और थर्माकोल के बने बर्तन बरामद हुए हैं जिसकी कीमत लाखों रुपये से अधिक है, जुर्माना भी वसूला गया है। अभियान में अपर नगर आयुक्त डी के सिन्हा, उप नगर आयुक्त अवनीन्द्र कुमार, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश रस्तोगी सहित नगर निगम के अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए नगर मजिस्ट्रेट अजीत कुमार सिंह ने कहा, बहुत ज्यादा है। जो प्रतिबंधित वही पॉलीथीन है उसी के खिलाफ जो है लगातार जो है मीडिया के माध्यम से सूचना मिल रही थी और शिकायत भी मिल रही थी। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पे ये जो है कार्रवाई हुई है और ये अभियान चलता रहेगा। पहले अभियान हुआ तो लगभग पूर्णतया ये बंद हो गया था, फिर बीच में जो है सूचना मिलने लगी कि जो है लोग जो है फिर से पॉलीथीन बेचना शुरू कर दिए हैं, तो उसी क्रम में अभियान किया गया है और ये जो है इनके यहाँ काफ़ी भारी मात्रा में पॉलीथीन और थर्माकोल प्लास्टिक ग्लास चीज़ें मिली हैं। नगर निगम द्वारा जो है कार्रवाई की गई, जुर्माना भी वसूला गया है और भी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कितनी लागत के होंगे सर? अब अनुमानित लागत तो 1,00,000 रुपए से तो ज़्यादा ही होगी अगर देखा जाए तो, बाकी तो इसका आकलन नगर निगम से होगा, लेकिन है काफ़ी मात्रा में मिला है।